बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुसरत कुकिंग चैनल। मुसरत कुकिंग चैनल में आज मैं आपके साथ होममेड भल्लों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, में जो ज़रूरत है वो ये है, एक कप मैंने माश की दाल ली थी जिसे मैंने रात भर भिगो के रखा था, एक टेबलस्पून जीरा, एक टीस्पून नमक, नमक कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, एक टेबलस्पून कुटी हुई सूख मिर्चें, एक टीस्पून मीठा सोडा, लहसुन, अदरक, पुदीने के पत्ते, बेसन। बेसन की जगह पे आप चने की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बेसन इस्तेमाल करती हूँ। आइए फिर फ्रेंड्स दाल को पीस देते हैं। फ्रेंड्स, दाल को अब हम ब्लेंड कर लेते हैं। दाल को मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया। आप इसके अंदर कुटी हुई सूख मिर्चें शामिल करेंगे, जीरा, नमक, और टीस्पून बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा हाफ टीस्पून डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। और साथ ही थोड़ा थोड़ा हम बेसन शामिल करेंगे ताकि जो है ना लिक्विड उसको हम गाढ़ा कर। फ्रेंड्स, दाल को मैंने पीस लिया और बेसन अंदर मिक्स कर लिया। ये देखें, अब भल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया, अब भल्ले बनाने स्टार्ट करते हैं।
हमारे बहुत ही बेहतरीन भल्ले रेडी हैं। आप इस रेसिपी को खुद भी बनाएं, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। रमज़ान आ रहा है, आप भल्लों को बनाएं और फ्रीज करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।